उत्तर प्रदेश पंचायती राज सफाई कर्मचारी ग्राम पंचायत सेवक संघ के तत्वावधान में उक्त संघ के माध्यम से एक मंडलीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें चर्चाएं की गई कि मौजूदा उत्तर प्रदेश सरकार राज्य कर्मचारियों की अनदेखी कर रही है। खासकर सफाई कर्मचारी के साथ सौतेला व्यवहार करना बड़ा ही प्रांतीय स्तर पर निंदनीय विषय बना हुआ है, जिससे आघात होकर उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग में कार्यरत कर्मचारियों ने प्रांतीय स्तर पर उक्त विभाग में संयुक्त मोर्चा बनाने का निर्णय लिया, जिसके संयोजक कुलदीप कुमार वाल्मीकि प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पंचायती राज सफाई कर्मचारी ग्राम पंचायत सेवक संघ रहेंगे। उक्त मोर्चे के माध्यम से सरकार तक अपनी मांगे पहुंचाने का कार्य करेंगे। 21 12 2018 को लखनऊ विधानसभा पर एक विशाल धरना दिया जाएगा और 10 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा। ज्ञापन देने वालों में कुलदीप सिंह, जसपाल सिंह, अजय राजपूत, दिनेश कुमार, दीपक कुमार, राकेश गंगवार, हीरा लाल आदि लोग मौजूद थे। आज उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्राम पंचायत सेवक संघ के तत्वाधान में मंडलीय समीक्षा आज की गई है पुराद मंडल की, जिसमें रामपुर जिलाध्यक्ष राकेश गंगवार जी, संभल जिलाध्यक्ष धीर सिंह जी, बिजनौर जिलाध्यक्ष दीपक चौटाला जी, अमरोहा जिलाध्यक्ष गुलवंत जी और पुराद जिलाध्यक्ष श्री कुलदीप वाल्मीकि जी और उनके साथ साथ हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं दीपक कुमार जी जो बिजनौर से बिलोंग करते हैं वो भी आज उपस्थित हैं और मंडल ये जो पदाधिकारी हमारे संगठन के वो सब यहाँ उपस्थित हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि जो गतिविधियाँ उत्तर प्रदेश सरकार में चल रही हैं, जो राज्य कर्मचारी इग्नोर किया जा रहा है और खास करके सफाई कर्मचारी संवर्ग को, चूँकि आप ये भली बातें जानते हैं कि सफाई कर्मचारी यदि नहीं होगा तो स्थिति निर्वित हो जाएगी। एक सफाई कर्मचारी हमारे पंचायत विभाग में बिलोंग जो करते हैं, 1 लाख कर्मचारी हैं, तो उनका एक संयुक्त मोर्चा बनाया गया है। तो सफाई कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के रूप में 12/12/2018 को जनपद स्तरीय एक दिवसीय धरना है और 21 दिसंबर को विधानसभा का घेराव है। और मैं ये आपके माध्यम से इस सरकार को ये बता देना चाहता हूँ, विशेषकर यदि राज कर्मचारियों की और खासकर सफाई कर्मचारियों की मांगों को इन्होंने अगर पूरा नहीं किया तो इसका खामियाजा 2019 का चुनाव में इनको भुगतना पड़ेगा, पुरानी पेंशन बहाल करनी पड़ेगी, पंचायत सफाई कर्मचारियों की ग्राम पंचायत सफाई कर्मचारी सेवा नियमावली बनानी पड़ेगी और भी अनेकों प्रकार की मांगे हैं जो सरकार को मानना पड़ेगी, जो जायज़ मांगे हमारी, नाजायज़ कुछ नहीं।